जी हाँ दोस्तों, आज हम गुणा का एक ऐसा ट्रिक सीखेंगे जिसके माध्यम से आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने समय में हम कैलकुलेटर को ढूंढेंगे और कैलकुलेटर में इन संख्याओं को लिखेंगे तब तक आप आंसर निकाल लोगे, मतलब कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशन करना सीख जाओगे। उसके लिए आवश्यक है आज के वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं केवल आपको 5 उदाहरण के माध्यम से सिखाऊंगा, लेकिन याद रखिए मैं इसके पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को भी सिखाऊंगा ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट को याद करने की आवश्यकता ना पड़े। उसको समझ जाओ तो आप कभी भी इस फार्मूला को आप लगा सकते हो, इस नियम को अप्लाई कर सकते हो और आप किसी भी संख्या का मतलब याद रखिए इसमें इसी प्रकार के संख्याओं का गुणा करेंगे तब ये ट्रिक काम करेगा। कई बार हमें कमेंट करते हैं कि सर इसमें किसी भी संख्या का लागू कर सकते हैं क्या, तो नहीं, इसमें हम किसी विशेष संख्या का करेंगे। तो इस वीडियो को देखिए कौन कौन सी संख्या का करेंगे और इसमें कौन सा ट्रिक काम करता है। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए ये संख्या जो दिख रहा है इसको यदि मुझे गुणा करने के लिए कहा जाए ना तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं कैलकुलेटर में करूंगा तो मुझे ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मैं इसको फटाफट करना चाहूं तो क्या करूंगा, सिंपल समय क्या करूंगा, इसको मैं सीधा 4 से भाग देते जाऊंगा। 4 × 4 ठीक है, यहां पर एक बचा 17 हो गया, 4 × 16 फिर एक बचा, यहां पर 4 × 16 फिर यहां पर एक बचा, 4 × 16 यहां पर कितना बचा, एक बचा है, कितना बचा जाएगा, 4 × 12 3 बचा है, कितना हो जाएगा 32, तो 4 × 8 = 32। अब यहां पर डिजिट को गिन लीजिए 1, 2 और 3, तो बस आपको 3 0 लगा देने दोस्तों, आपका आंसर हो गया है। तो हुआ ना कैलकुलेटर से फास्ट गुना का ट्रिक, बेहतरीन। अभी देखिए मैं इसका ट्रिक बताऊंगा कि ये काम कब करेगा, कैसे करेगा। यहां पर देखिए इसको मुझे गुणा करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से क्या करूंगा, 4 से भाग दूंगा, तो देखिए 4 × 6 = 24 यहां पर तो पूरा चला गया, ये जाएगा 4 × 1 = 4, ये कितने बार जाएगा, एक बचा है, तो ये हो जाएगा 4 × 16, ये तो पूरा चला गया, यहां पर जाएगा 4 × 2 = 8 और 4 × 1 = 4, कितने संख्या है, 2 संख्या है, बस 2 0 लगा दो, आपका आंसर कंप्लीट। देखो कितना सरल है, बट आप रुकिए अभी मैं इसका पूरा ट्रिक भी समझाऊंगा कि ये काम कैसे करता है। यहां पर देखिए मैं तो केवल यहां पर आपको गुणा करके बता रहा हूं, लेकिन इसके बेसिक को सीखना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पर इतनी बड़ी संख्या को मुझे 125 से गुणा करना है, अगर मैं गुणा करूं तो क्या करूंगा, पहले 5 से गुणा करूंगा, फिर 2 से करूंगा, फिर 1 से करूंगा, फिर उन तीनों संख्याओं को जोड़ूंगा, तब तक तो बहुत समय लग जाएगा। और हमें क्या होता है, परीक्षा हाल में हमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए और एकदम परफेक्ट आंसर, वो भी सरल, तो इससे सरल कुछ भी नहीं होगा। अगर यहां पर 125 है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, एक सिंपल सा ट्रिक अपनाऊंगा, सबको क्या कर दूंगा, 8 से भाग दूंगा, तो यहां पर देखिए मैं भाग दूंगा 8 × 1 = 8, कितना बचा 4, तो 4 और 1 = 3 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, तो कितने बार जाएगा, 8 × 5 = 40, अब यहां पर कितना बच गया, 3 बच गया, तो कितने बार जाएगा, 8 × 6 = 32, कितना बचा 2, और 2 एक कितना हो गया 5, तो कितने बार जाएगा, 8 × 3 = 24, अब कितना बचा 1, और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 8 × 2 = 16। अब देखिए यहां पर कितने डिजिट है, 1, 2 और 3, बस आपको 3 0 लगा देना है, आपका आंसर कंप्लीट, इतना ही आपका आंसर है। जी हाँ दोस्तों, इतना आंसर है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं। अब देखिए मान लीजिए यहां पर कोई संख्या दे, सर तो आप तो ऐसा बता रहे हो जिसमें कोई दशमलव वाला संख्या आ ही नहीं रहा है। आप याद रखिए दशमलव वाला संख्या रहेगा तब भी बहुत आसानी से गुना कर सकते हैं, इधर संख्या कुछ भी रहे, किसी भी संख्या से आप गुना करिएगा, बट आपकी संख्या अगर 125 है ना, विशेष प्रकार की संख्या है, तो उसको यहां पर संख्या कुछ भी रहे ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर 100% सही आएगा। अब देखिए यहां पर मैंने कुछ अलग टाइप का संख्या ले लिया है, इसको मैं भाग देना, इसको मैं गुना करना चाहता हूं, तो गुना ना करके मैं क्या करता हूं, आपको ट्रिक बता रहा हूं, इसको मैं क्या करूंगा, सीधा 8 से भाग दूंगा, तो देखिए ये भाग तो जाएगा नहीं शुरुआत में, तो हम दो डिजिट लेंगे तो कितना बच जाएगा, 8 × 8 = 64, कितना बचा 1, तो कितना बार जाएगा 14 हो गया, तो एक बार जाएगा 8 × 1 = 8, अब कितना बार बचा इसमें 6 बचा, 6 और ये 9 कितना हो जाएगा, क्या हो गया 69, तो क्या हो जाएगा 8 × 8 = 64, अब यहां पर कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5 और 1 58 हो जाएगा, तो अब फिर भाग देंगे तो कितना जाएगा 8 × 7 = 56, अब कितना बचा 2 और ये कितना हो गया 27 हो गया, अब कितना बढ़ जाएगा 8 × 3 = 24, अब देखिए अब ये भाग तो जाएगा नहीं, तो यहां पर क्या लगाएंगे हम, यहां पर दशमलव लगाएंगे एक्चुअल में, अब ये क्या हो जाएगा एक शून्य बढ़ाएंगे, तो इसमें बचा कितना था, यहां पर बचा था 3 है ना, तो 3 में शून्य लगाएंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर कितना बढ़ जाएगा 8 × 3 = 24, फिर 3 बढ़ गया, अब कितना बचा है, अब बच गया है 6, अब 6 कितना बढ़ जाएगा 8 से, 8 × 7 = 56, अब कितना बचा 4, अब शून्य बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, ध्यान दीजिएगा इसका बेसिक को आप ध्यान से सुनिएगा, अभी बताने वाला हूं। अब देखिए यहां पर कितने डिजिट है 1, 2, 3, यहां पर एक्चुअल में नियम क्या है, जितने अंक होते हैं उतने 0 लगाते हैं, लेकिन इसमें तो पहले से क्या है दशमलव लगा है, और 0 लगाने का मतलब होता है मान लिया जाए यहां पर कोई संख्या है, अगर यहां पर कोई संख्या 22 है, मान लिया 22 या
ऐसा कोई भी संख्या है, इसमें अगर हम दो जीरो लगाते हैं का मतलब क्या है, जब इसमें हम दो जीरो लगाएंगे ऐसा रहेगा, लेकिन यदि ये दशमलव में पहले से है इस प्रकार, तो दो जीरो का लगाने का मतलब है कि दशमलव को उतने स्थान सरकाना, ठीक है। तो इसको इतना सरकाएंगे स्थान, तो इसका मतलब यह है कि अगर पॉइंट में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इतना ही होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर इसमें तीन जीरो लगाऊं तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, सरक जाएगा, मतलब इसका आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं समझा देता हूं आपको, यहां पर मैं मिटा देता हूं इसको। ये देखिए यहां पर मैं समझना चाहूं, यहां पर भी समझना चाहूं तो क्या करूंगा, हमेशा एक चीज याद रखना है, जब भी आप किसी संख्या को 25 से गुना करें, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि कोई भी संख्या को हम ऐसी संख्या में बदले, है ना, जैसे 10, 100, 1000 या फिर 10000, मतलब उसके सारे जो संख्या है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, सामने में एक होना चाहिए। मतलब जिस प्रकार यहां पर बताया गया है, जैसे यदि मैं किसी को 10 में बदल दूं, या फिर 100 में बदल दूं, या फिर 1000 में बदल दूं, या फिर 10000 में बदल दूं, तो इससे किसी भी संख्या को गुना करना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। तो इसमें इसी ट्रिक का प्रयोग हो रहा है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर मैंने क्या किया था, मैंने डायरेक्ट मुझे गुना करना था 250 से, लेकिन मैंने 250 से गुना ना करके, चलो ये 25 होता, तो 25 को हम किससे गुना करें, ये 100 हो जाता है। तो 25 को हम क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं, तो 100 हो जाता है। तो इसके लिए हमें अंश और हर दोनों में गुना करना है, समझ आ गया होगा। तो 25 चौक 100 होता है, और ये वाला तो इनको 100 बनाने में चला गया, हालांकि 250 था, तो मैं एक जीरो बढ़ाऊंगा। अब देखिए 25 चौक 100 होता है और एक जीरो पहले से है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 हो रहा था, मतलब ये हो जाएगा 1000, ठीक है, क्योंकि हमने 250 लिया था। अब देखिए इससे मुझे इनको गुना करना है और 4 से भाग देना है, इसका मतलब इससे गुना करने का टेंशन खत्म, आपको केवल इनको 4 से भाग देना है और कितना जीरो लगा देना है, 3 जीरो लगा देना है, क्योंकि किसी संख्या को मान लिया जाए अगर 5 को आप 10 से गुना करते हैं तो क्या करते हैं, गुना करने की आवश्यकता ही है, बस जितना जीरो है उतना लगा दीजिए। उसी प्रकार 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो लगाएंगे, 1000 से गुना करेंगे तो 3 जीरो। यहां पर देखिए मैंने इसको केवल 25 से गुना किया था, तो मैंने क्या किया था, 4 गुना 4 किया था और बटे 4 किया था, तो ये तो इनको 100 बनाया था, ये देखिए ये इनको 100 बनाने में चला गया ऊपर वाला 4, तो इनको 100 में हमें क्या करना था, गुना करना है और उसके बाद 4 से भाग देना है। तो मैं क्या कर रहा था, पहले 4 से भाग दे रहा था और शून्य लगा दे रहा था, जितना सीनो यहाँ पर तो इतना जीरो है, 2 ही 0 तो है ना, तो हमको संख्या को देख के करना है, उसी प्रकार मैंने इस पर किया था। अब यहाँ पर कौन सा ट्रिक अपनाया था, भाई भैया याद रखिएगा, यदि ये संख्या 125 है तो 125 को किससे गुना करते हैं, तब 1000 आता है। तो निश्चित रूप से 125 को हम क्या करते हैं, 8 से गुना करते हैं ना, तो हमारा आंसर जो है 1000 आता है। आप इनको गुना करके देख सकते हो, अगर मैं 8 से गुना करूंगा तो ये 1000 बनेगा, ये देखिए ये 1000 बनता है। तो हमें क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है इसको 1000 से गुना करना है, उसके बाद 8 से भाग देना है। तो आप यह करो ना, इनको पहले भाग दे दो 8 से, 8 से भाग देने के बाद जो भी आंसर आया उसमें 3 जीरो लगा दो। वही मैंने किया था यहां पर, वही काम मैंने यहां पर भी किया था, है ना, क्या किया था, देखो ये कोई संख्या था, इसमें मैंने क्या किया था, इसको मैंने पहले 8 से भाग दिया था, 8 से भाग देने के बाद इसमें देखिए हमारा आंसर ही दशमलव में आ गया था, तो हमने शून्य लगाया था, 3 3 0, लेकिन वो दशमलव को हमने सरका दिया था, है ना, उतना स्थान खिसका दिए थे, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब इसका मतलब ये है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, इसका मतलब ये भी है कि ये वाला ट्रिक जो है तभी काम करेगा जब हम किसी संख्या को या तो 5 से गुना करें, है ना, 25 से गुना करें, या फिर 125 से गुना करें, इस प्रकार के ट्रिक में काम करेगा। एक बात और याद रख लीजिए, जैसे 5 का गुना का मैंने ट्रिक यहां पर नहीं बताया, वो क्यों नहीं बताया, इतना सरल है, 5 को किससे गुना करते हैं तब 10 आता है, तो 2 से गुना करते हैं, मतलब आपको क्या करना है, 2 से गुना और भाग करना है, तो ऊपर वाला तो 5 × 2 = 10 बना दिया, ये देखिए 10 बना दिया। अब बताओ इसको गुना करना आसान है क्या, आपको क्या करना है, इसको केवल 2 से भाग देना है और 10 से गुना करना है, हो गया आपका आंसर। तो उसी प्रकार अगर 50 से करना होगा तो क्या करेंगे आप, उसको 2 से गुना करेंगे तो 100 बनेगा, मतलब 2 जीरो लगाएंगे। तो इसको आप चाहे तो यहां से भाग दे सकते हैं, देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1 बचा 2 × 8 = 16, कितना बचा, फिर 1 बचा, अब यहां पर 2 × 6 = 12 हो जाएगा, फिर 1 बचा, 2 × 7 = 14 होगा, ये कट गया, अब 2 × 2, अब 1 शून्य आपको लगाना है, ये आपका आंसर हो गया। तो याद रखिए दोस्तों, इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है इसमें आप कोई भी संख्या ले सकते हैं इधर, लेकिन जिस संख्या से आपको गुना करना है वो यदि क्या हो, 125 हो, 25 हो, या 5 हो, या 50 हो, है ना। हाँ एक बात और, ये संख्या को आप बढ़ा सकते हैं, मतलब 1250 हो तब भी इसको आप बना सकते हैं,
बट आपको करना क्या होगा, चार अंकों के बाद आपको जीरो लगाना होगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से इस ट्रिक को आप समझ गए होंगे और बहुत आसानी से इसी ट्रिक का पालन करके आप संख्याओं का गुना कर सकते हैं। अब याद इस बात का रखना है कि वो संख्या विशेष संख्या है, जैसे कौन कौन सा संख्या है मैंने बता दिया है। तो निश्चित रूप से वीडियो आपको समझ आ गया होगा, और यदि ये वीडियो पसंद आया है, समझ आया है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।